नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली उनके अभी के प्रधानमंत्री प्रचंड साहब को घेरने चले थे। कोशिश ये थी कि बिजली परियोजना जो कि अब भारत और नेपाल के बीच में हुई है उसको लेकर उनका कहना था कि इसको हम लोग सस्ते में कर सकते थे, लेकिन अब ये भारत की झोली में डाल दी गई है। जब ऐसा हुआ तब बात ये निकलकर सामने आई कि भैया 2021 में भी कुछ इसी तरह का समझौता हुआ था और तब ओली जी ही वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में ओली साहब जो प्रचंड जी को घेरने चले थे कहीं ना कहीं वो अपनी ही बातों में घिर गए। दरअसल अभी कुछ दिनों से नेपाल और भारत के बीच में टेंशन फिर से तब बढ़ गई जब संसद में अखंड भारत का नक्शा नेपाल और बाकी दुनिया ने देखा। इसके ऊपर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि काठमांडू के एक मेयर साहब ने तो अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी लगा लिया, जो उनके हिसाब से सही भी है, कोई गलत बात नहीं, भाई आप अपने देश में जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अखंड भारत का जो नक्शा है वो एक सांस्कृतिक नक्शा है, वो भारत की कोई विस्तार नीति का कोई एक रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो एक पुराना नक्शा है सांस्कृतिक तौर पर जो भारत की अखंडता को दिखा रहा है।